हे मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुना दी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, मैं और जगह अपने सारे रूम में झाड़ू लगा ली हूँ और अब मैं यहाँ पे सीढ़ी झाड़ू लगा रही हूँ सीढ़ी पे, क्योंकि धूल इतना आ गया था, आंधी आई थी रात में तो पूरा धूल धूल हो गया था। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा जल्दी ही, आज मैं उठ गई थी तो मैं सोची कि चलो फटाफट सीढ़ी की भी सफाई कर लेते हैं, तो वही मैं सीढ़ी की सफाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास पहुँचे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पोछा लगाने, तो यहाँ पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। इसके बाद नहाऊँगी, पूजा करूँगी और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और देखिए कि मेरा डेली का रूटीन क्या है और मेरा पर्सनल लाइफ क्या है, सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कैसे अपना काम निपटाती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह का नहाना धोना, पूजा पाठ, ब्रेकफास्ट सब हो गया था और मैं बहुत सारा कपड़ा भी धोई, इसलिए मैं थक गई थी तो इसके आगे का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई उस टाइम। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। और गर्मी तो पूछिए मत, भयंकर गर्मी। दोपहर का तो खाना बनाने का मन ही नहीं होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बनाना है, खाना भी है, भूख लगेगी तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। और देखिए मैं आज खाना में क्या बन रहा है, आज मैं बनाऊँगी पुलाव और तड़का, क्योंकि सबका मन है कि थोड़ा सा आज डिफरेंट बनाओ कुछ। तो मैं सोची कि चलो रोज़ का तो वही रूटीन है, रोज़ तो गर्मी रहेगी ही अभी, तो वही मैं आ गई हूँ पुलाव और तड़का बनाने। दाल मेरा बन चुका था तो अब मैं यहाँ पर छौंक लगा रही हूँ, वैसे ही तड़का बनेगा जैसे मैंने सारे ही खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, लाल मिर्च, खड़ा लाल मिर्च, तेज़पत्ता और हींग, जीरा, इससे मैंने सबसे पहले मैंने डाल दिया। इसके बाद लहसुन, अदरक और प्याज को भी मैंने डाल के इसमें भुनने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ा सा ये जब भुन जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डालूँगी और थोड़ा सा हल्का सा एकदम धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ जीरा पाउडर डालूँगी, क्योंकि ये दाल तड़का है तो ज़्यादा इसमें मसाले पड़ेंगे नहीं, तो बस इतना ही डालूँगी। और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा, एकदम बिल्कुल यम्मी सा दाल तड़का बनके फ्रेंड्स रेडी हो गया है। और इसमें मैं 2 चम्मच घी भी डाली, मैं घी में तड़का भी लगाई थी लेकिन ऊपर से घी डालने से बहुत ही मज़ा आता है। और मेरा पुलाव भी बन गया है, सब खा लिए, पी लिए, बर्तन भी धुल गया। अब यहाँ पर हो गया है रात हो गया है, 7 बज रहा होगा करीब, तो यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा जो धुला था मैं लेके आई हूँ और सबको मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं सोची कि चलो फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि रात में खाना सिर्फ अपने लिए बनाना है, क्योंकि आया है इनविटेशन कार्ड तो ये लोग सभी लोग जाएंगे, सभी लोग मतलब ये जाएंगे, बच्चे जाएंगे, तो इसलिए
और यहाँ पे गुनगुन और आदि गुनगुन और आदि पार्टी में जा रहा है लोग। पार्टी में नहीं जा रहे हो? मैंने ये जूता पहना हो तुमको पहनने नहीं आ रहा है? इनविटेशन कार्ड मिला है तो आदि गुनगुन उनके पापा जा रहे हैं तीनों लोग। चार सौ का जूता उधर रेडी हो रही है जब ना और लड़की का बारात आया था पास ही में, बिल्कुल आया था। देखिए मैं आपको अपनी बालकनी से दिखाती हूँ। और ये है, ये गेट बना है यहाँ पे जहाँ से लाइट लगी है। और वो पीछे में जो जिस घर पे लाइट लगी है ये डांस वाला, तो बस वहीं पे बारात आ रही है और ये लोग वहीं पे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी अगले ब्लॉग।